हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात पे, जहां आपको मिलती हैं लाइफ से जुड़ी हुई, हिसाब किताब से जुड़ी हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस और यूजफुल कंटेंट जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हां फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? साधारण ब्याज कैसे निकालें। फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर जो है बैंक से लेन देन करते हैं, तो वहां पे हमें क्या होता है, वार्षिक ब्याज जोड़कर वो लेन देन करता है। तो आज का वीडियो किसी के कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है पीएलजे खरिया जी ने। तो क्या लिखते हैं, साधारण ब्याज के बारे में बताएं। इसके बाद दूसरा कमेंट किया है अंकित मंडलोई जी ने और ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं सर 1,00,000 रुपए का वार्षिक ब्याज क्या होगा 3% की वार्षिक दर से। इसके बाद उन्होंने दूसरा कमेंट भी किया है, रमेश ने बैंक से 1,00,000 रुपए 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए तो 1 साल का ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, जो ब्याज होता है वो दो तरीके से लगाया जाता है। पहला होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों में एक खास जो अंतर है वो ये है कि जो साधारण ब्याज लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही लिया जाता है। जैसे हमारा मूलधन मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, तो चाहे 2 साल बीत जाए, चाहे 3 साल बीत जाए, हम जो हमारा जो ब्याज जोड़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर ही जोड़ते हैं। तो ऐसे ब्याज को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। लेकिन यही अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो क्या होता है, वो होता है कि उसमें क्या होता है कि मूलधन में ब्याज ऐड होता जाता है और ब्याज का भी ब्याज उसमें जोड़ा जाता है। तो जब मूलधन में ब्याज भी जुड़ता जाए और उसके बाद ब्याज का भी ब्याज जोड़ कर लिया जाए, तो ऐसा ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप अगर कहेंगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आज हम लोग साधारण ब्याज कैसे निकालें इस पर बात करने वाले हैं। तो साधारण ब्याज कैसे निकालें, तो देखिए हमने अंकित मंडलोई जी का जो क्वेश्चन है दोनों वही लिया हुआ है। फ्रेंड्स, हम सभी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं, साधारण ब्याज का एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज बराबर। तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज होता है, तो उसमें आप पढ़ते होंगे PRT/100, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखा जाए तो यहां लिखा जा सकता है साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग पढ़ते हैं और हम यहां पर भी वही अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जो दर है, दर का जो हिसाब है, समय भी उसी हिसाब में होना चाहिए। यानी कि अगर ये वार्षिक है तो ये समय भी हमारा वर्ष में ही होना चाहिए, अगर ये महीने के हिसाब से मासिक है तो ये भी महीने, समय भी महीने ही लिया जाना चाहिए। तो चलिए, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, हम इसको सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले पर रख करके। तो देखिए यहां पर जो हमारा मूलधन है वो क्या है, वो है 1,00,000 रुपए। मूलधन 1,00,000 रुपए यहां हमने लिख दिया, इसी पर हमें गणना करनी है। और दर कितना है, 3% वार्षिक है। अब देखिए यहाँ पे 3% वार्षिक है और हमें वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, यानी यहाँ पर हमें वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, यानी एक वर्ष का। तो जब हम यहाँ पे एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे और बटा में हमें क्या लगाना है, 100, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपली 0 से 0 कट जाएगा और ये 1,000 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3,000 हमारा ये ब्याज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी हम लेते हैं, तो यहां पर भी देखिए इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें चाहिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन कितना है, मूलधन है 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे हम 1,00,000 एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसका जो दर है वो 7% है और वो भी कैसे है, वार्षिक, और हमें 1 साल का यानी एक वर्ष का पूछा भी जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, यानी कि एक ही
समय अंतराल के लिए होना चाहिए, जैसे ये वर्ष में है तो ये भी वर्ष में होना चाहिए, अगर ये मासिक है यानी हर महीने के हिसाब से तो ये भी महीने के हिसाब से भी होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दर 7% है, इसके बाद यहाँ पर जो समय है वो एक साल का ही है, अगर दो साल रहेगा तो यहाँ दो साल रख लेंगे, तीन साल रख लेंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फिर से 00 कट गए, यहाँ पे 1000 × 7 जो कि इसका टोटल आएगा 7000 रुपए। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स इस तरह से हम साधारण ब्याज ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में भी आपको क्या काम करना है, कैलकुलेटर में यहां पर देखिए कैलकुलेटर में बटा तो होता नहीं है, तो कैलकुलेटर में आप अगर कैलकुलेटर से करना चाहें तो कैलकुलेटर की एंट्री यहाँ आप देख लीजिए, कैलकुलेटर एंट्री में अगर आप करना चाहें डायरेक्ट तो आप कैसे करेंगे, तो कैलकुलेटर एंट्री में आपको क्या करना है, देखिए यहां पे आप मूलधन गुणे दर गुणे समय ये आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद यहां आपको आपको देखिए क्या एंटर करना है, यहां पर आपको ये पूरा जब एंटर कर लेंगे तो यहां पर आपको इस तरह से क्या करना है, इस तरह से कोष्टक लगाना है और इसके बाद यहां पर 100 एंटर करना है। जैसे ही आप 100 एंटर करेंगे तो यहां आपको आपका साधारण ब्याज मिल जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये जो बटा लगा हुआ है तो बटा का मतलब भाग होता है, तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेटर से ये करना चाहें तो देखिए यहाँ 1,00,003 × 1 और फिर यहाँ कोष्टक लगा के जब आप भाग का चिन्ह लगा के 100 लगाएंगे तो आपको तुरंत ही 3000 रुपए मिल जाएंगे। इसी तरह से इसको भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर एंट्री के लिए तो देखिए यहाँ पे फिर से अगर मूलधन हमारा 1,00,000 रुपए है तो यहाँ पे 1,00,000 हम एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ 7% दर है, समय हमारा 1 साल है और यहाँ पर इसको कोष्टक लगा के हमें भाग का चिन्ह लगाना है और सौंपेंगे तो हमारा 7000 जो है ब्याज हमको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से, अगर हम कैलकुलेटर से हल करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी, नहीं तो सिंपली हम ऐसे भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे इसी तरह की जानकारी भरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स अगर आपके भी मन में इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।